मेरी रचना का शीर्षक है अतिथि तुम कब आओगे। जब से मैंने एक चैनल पर फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे दोबारा देखी है, मैं लगातार दुखी और चिंतित चल रहा हूँ कि आखिर हमारे संस्कारों और मूल्यों को हो क्या गया है। जिस संस्कृति में अतिथियों को देवता मानकर मान सम्मान देने की परंपरा हो, वहां उनका इतना घोर अपमान कि उनसे मुक्ति और मोक्ष के लिए षड्यंत्र किए जाएं, ईश्वर से प्रार्थनाएं की जाएं, मन्नतें मानी जाएं। मैं तो सदा यही प्रार्थना करता हूं कि हे अतिथि तुम कब आओगे। हे अतिथि, जब भी तुम आते हो तो तुम्हारे मान सम्मान से मेरा सम्मान भी मुफ्त बढ़ जाता है। तुम आते हो तो मेरे घर में कानून और व्यवस्था की स्थिति एकदम शांत और नियंत्रित हो जाती है। तुम भी जानते हो कि पति पत्नी के बीच एक शाश्वत युद्ध है जो युगों युगों से चला आ रहा है। तुम्हारे आने से युद्ध विराम की स्थिति आ जाती है और शांति स्थापित हो जाती है। दुर्गा लगने वाली पत्नी साक्षात लक्ष्मी लगने लगती है। तुम आते हो तो इस नरक में भी मुझे स्वर्ग का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है मानो 15 अगस्त आ गया है और मैं एक लंबी दास्ता से मुक्त हो गया हूँ, या 26 जनवरी आ गई है और मैं भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उपयोग कर पाता हूँ। वरना मेरे दुर्भाग्य में तो सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य लिखे हैं। हे अतिथि, जब भी तुम आते हो तो घर की साफ सफाई ऐसे संपन्न की जाती है मानो दिवाली आ रही हो। ड्राइंग रूम लगने लगता है, डाइनिंग रूम लगने लगता है। तुम्हारे बिना एक भारतीय पति को न तो सोफे पर बैठने की आज़ादी है न डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने की। यूं तो हमारे यहाँ नाश्ता और खाना बनता है, पर जब तुम्हारा शुभ आगमन होता है तो नाश्ता ब्रेकफास्ट बन जाता है और खाना लंच और डिनर। तुम्हें क्या बताऊं अतिथि, कई बार मुझे लंच में डिनर और डिनर में लंच खाने को मजबूर होना पड़ता है। एक डिश ऐसी भी होती है जिसे स्वीट डिश कहा जाता है। यह रहस्य भी तुम्हारे आने पर ही प्रकट होता है, वरना भारतीय पतियों के भाग्य में गुड़ या शक्कर से स्वीट डिश नहीं रही। इसीलिए जब तुम आते हो तो लगता है घूरे के दिन फिर गए हैं और मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। हे अतिथि, जब भी तुम आते हो तो मुझे पार्टी वियर ड्रेस पहनने का अधिकार मिल जाता है, वरना वार्डरोब के हैंगरों में टंगे हुए वे अक्सर मेरा मुंह ही चिढ़ाते रहते हैं। तुम और तुम्हारे परिवार पर अपना इम्प्रेशन झाड़ने के लिए मेरी एकमात्र पत्नी जब ब्यूटी पार्लर सा मेकअप करती है तो उसका नकली रूप भी निखर जाता है, वरना उसे देखकर मुझे हमेशा यही लगता है कि मैंने उससे विवाह रचाकर एक भयंकर भूल की है। हे अतिथि, जब भी तुम आते हो तो टीवी के रिमोट पर मेरा कब्जा हो जाता है, वरना हमारे यहाँ एकता कपूर के सास बहू टाइप के सीरियलों के अलावा कोई सीरियल देखने का किसी को अधिकार ही नहीं। मैं ही नहीं, तुम्हारे आने से बच्चे भी आज़ाद और खुश हो जाते हैं। तुम्हारे रहते उनकी पूज्य मम्मी न उन्हें डांट पाती है और न उनके पापा को। हे अतिथि, बाजारवाद के इस भीषण भयानक दौर में जब भी तुम आते हो तो लगता है कि रिश्ते नाते अभी भी जिंदा है, अड़ोस पड़ोस पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब कभी तुम मेरी सकरी गली में किसी बड़ी महंगी कार से आते हो तो मेरी एकमात्र नाक जो है वह कॉलोनी में गर्व से ऊंची हो जाती है।
और कई कई महीनों तक ऊंची रहती है। तब मुझे न आटे दाल के भाव की चिंता रहती है, न तेल गैस की महंगाई की। देश की सारी मंदी, सारी मुद्रा स्फीति, सारी महंगाई एक तरफ और हे अतिथि तुम्हारा आतिथ्य एक तरफ। इसलिए हे अतिथि तुम चले आओ, मेरे घर डट जाओ और जब तक तुम्हारी श्रद्धा हो डटे रहो। तुम तो साक्षात देवता हो, तत्काल चले आओ और मेरे नरक को स्वर्ग बनाओ। मेरे पलक पावड़े तुम्हारे स्वागत में कल भी बिछे थे, आज भी बिछे हैं और कल भी बिछे रहेंगे। अतिथि तुम कब आओगे?